नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे एक खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैले जा रही है और वो है ब्लैक फंगस। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स, किन्हें इससे ज्यादा रिस्क है और कैसे इससे हम बचे रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेडीवेडी। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों ऐसे तो ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है और ये बहुत ही पहले से होती थी और हम सभी ही जानते हैं इसे, बस कभी किसी का ध्यान नहीं गया इस पे क्योंकि कभी किसी की इम्यूनिटी इतना ज्यादा वीक नहीं हुई जिससे कि इसे कभी देखा गया हो। दोस्तों ये जैसे आपने देखा होगा कभी ब्रेड पे, पुराने रखे कपड़ों पे, या उन्हें कई दिनों तक ऐसे रहने दिया जाए किसी चीज पे तो उस पे जो दहिया जैसा लग जाता है ना, उसी को हम ब्लैक फंगस कहते हैं। ऐसे इसे मेडिकल टर्म में दोस्तों मिकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक तरह का फंगल डिजीज है जो कि बहुत ही रेयर टाइप का फंगल डिजीज है दोस्तों इंसानों के अंदर, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि ये हमें तभी होगा जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं मौके का फ़ायदा उठाने वाला फंगल इन्फेक्शन। अब आइए जानते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में। बात करें इसके सिम्टम्स की दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चेहरे में भरापन आएगा, चेहरे में दर्द, माथे में दर्द, आंख लाल होना, थोड़ा सा सूजन होना, आंखों के चारों तरफ थोड़ा सा भरा भरा लगना, नाक में पपड़ी जमना, ब्लड के जैसा बलगम आना या फिर कहें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में बलगम आना, चेहरे में दर्द होना, सर में दर्द होना, नाक बंद बंद लगना, साइनस के जैसा फील होना, आंखों में सूजन, पलकों में सूजन, आंखों की रोशनी जाना, एक से दो दिखना, आंखों को चलाने में दिक्कत, और तालू का रंग बदलना, आंखों के जो पीछे का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसका रंग बदलना, दांत का ढीला पड़ना, और चेहरे में नाक का रंग थोड़ा सा बदलना, आंखों के पीछे दर्द रहना, इन सभी में से अगर कोई प्राइमरी सिम्टम्स दिखें तो हो सकता है कि वो ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हों। दोस्तों ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स की, अब आइए बात करते हैं कि इससे किससे सबसे ज़्यादा रिस्क है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को रिस्क है जो कि अभी अभी कोविड 19 से लड़ रहे हैं, या फिर डायबिटीज़ के साथ साथ कोविड 19 हुआ है, या फिर जिन्हें कोविड 19 के दौरान स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा चले, या फिर टॉक्लिजुमैब बहुत ज़्यादा चले, इम्यूनोसप्रेसेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में, बीपी पे कंट्रोल और शुगर पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्क है। या तो दोस्तों कोविड पेशेंट्स जो पहले से स्टार्टिंग में इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसी के साथ साथ दोस्तों वो पेशेंट्स जिनको अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क है, और दोस्तों इसमें उन पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा रिस्क है जिनको कैंसर या फिर कीमोथेरेपी चल रही है, उनको और ज़्यादा रिस्क है। ये तो बात हो गई कि इसके रिस्क क्या क्या हैं, अब आइए बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि हमें शुगर पे पूरी तरह से कंट्रोल रहना होगा, हम जो भी स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ कर रहे हैं सावधानी से यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना यूज़ करें और यूज़ करने पर नियंत्रण रखें। उसी के साथ साथ दोस्तों जो ऑक्सीजन ट्यूबिंग है उसे हमें बार बार बदलना चाहिए, और जो कि यूज्ड ऑक्सीजन ट्यूब्स होते हैं उन्हें दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। दिन में दो बार कम से कम नाक को सलाइन से धो लेना चाहिए, और जो भी कोविड पेशेंट्स हैं दोस्तों उनकी पहले दिन, तीसरे दिन और सातवें दिन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, और डिस्चार्ज करते टाइम या फिर हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज करवाते हैं उस टाइम पे कंप्लीट चेकअप ज़रूर करवा लें। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम मास्क यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि N95 को आपको 14 से 15 दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं तो उसे सेम डेज ही डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी नॉर्मली 6 आवर्स की होती है। अगर आप कपड़े वाला मास्क यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसे डबल करके यूज़ करें, और साथ ही साथ उसको डेली जो है वॉश करें। ये तो हो गए दोस्तों कि कुछ सेफ्टी मेजर्स एक तरह से आप कह सकते हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं, और अपने आप को उसी के साथ साथ अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेंबर्स को हम बचा करके रख सकते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या फिर किसी न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।